हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रथ सप्तमी से जुड़े सवाल जवाब में जरूरी जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अगर आप पूरे वर्ष सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहते हैं, सूर्य देव को जल देना चाहते हैं सुबह सुबह, तो सूर्य सप्तमी के दिन, जिसे रथ सप्तमी और सूर्य जयंती भी बोला जाता है, उस दिन से आप सूर्य देव को जल देने का नियम ले सकते हैं। क्योंकि रथ सप्तमी के दिन जो है, जिसे सूर्य सप्तमी भी बोला जाता है, इस दिन भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ था। तो अगर आप पूरे वर्ष सूर्य देव को जल देना चाहते हैं तो आप सूर्य जयंती के दिन से ये नियम शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए कोई नियम नहीं है, आप जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं, बट सूर्य जयंती का जो दिन है उस दिन से सूर्य देव को जल देने का नियम जो है वो शुरू किया जाता है। उसके बाद रथ सप्तमी की पूजा क्यों की जाती है? तो रथ सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है और इसे सूर्य जयंती, माघ सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी और सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होता है, हमें उन्हें जल क्यों देना चाहिए? तो देखिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करने से यह सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि और वैभव का मार्ग खुलता है। साथ ही साथ भगवान सूर्य जो है वो साक्षात देव हैं और वही सभी जीवों को, वनस्पतियों को जीवन दान देते हैं, तो हमें उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट है, रथ सप्तमी की पूजा कब आती है? तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन सूर्य देव के पूजन का विधान है और ये रथ सप्तमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण के 7 दिन के व्रत का पारण कब करें? तो सूर्य नारायण के 7 दिन के व्रत का पारण भी रथ सप्तमी के दिन, सूर्य सप्तमी के दिन ही किया जाता है। सूर्य नारायण को मीठे का, यानी कि खीर का या फिर किसी भी मीठी चीज का भोग लगाकर उसी से हमें उपवास छोड़ना होता है, व्रत खोलना होता है। और जिन्होंने सूर्य नारायण के 7 दिन के व्रत नहीं किए हैं, वो चाहे तो रथ सप्तमी के दिन 1 दिन का व्रत कर सकते हैं, तो उनको शाम को अपने व्रत का पारण करना होता है, लेकिन रथ सप्तमी के दिन उनको फिर मीठा खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण के रथ की पूजा इस दिन क्यों की जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को ही सूर्य देव सबसे पहले, सर्वप्रथम अपने रथ पर सवार हुए थे और इस दिन से सूर्य नारायण जो है, सूर्य भगवान जो है, वो अपने रथ का वहन करते हैं, यानी कि वो अपने रथ को चलाते हैं। इसलिए माघ मास में दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता हुआ सूर्य नारायण का रथ बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। रथ सप्तमी पूजा का क्या महत्व है? सूर्य देव को जागृत देव की संज्ञा दी गई है और इस दिन सूर्य देव की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, किसी को कोई रोग हो तो उससे मुक्ति मिलती है। सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य का प्रकाश जीवन प्रदान करता है। इसलिए सूर्य देव की पूजा रथ सप्तमी के दिन करने का विधान है। रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रथ सप्तमी के दिन क्या दान करें? तो इस दिन पूजा के बाद आप गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, माघ का महीना है इसलिए आप तिलों का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, लाल चंदन दान कर सकते हैं और कोई भी तांबे का बर्तन दान कर सकते हैं, आप चप्पल दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। दान की तो कोई लिमिट नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जितना बजट हो, सबका बजट भी एक जैसा नहीं होता है, तो जितना अपना बजट हो उतना ही दान करें। अगर किसी का बजट 1 कटोरी गेहूं दान करने का है, 1 कटोरी गुड़ दान करने का है, तो उसे उतना ही करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सूर्य सप्तमी के पूजा कब, सूर्य सप्तमी के दिन अगर व्रत करें तो इसका पारण कब करें? सूर्य सप्तमी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन आप शाम को अपने व्रत, शाम को अन्न खा सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको वो नहीं करना होता, नमक नहीं खाना होता है, आपको सिर्फ मीठा भोजन करना होता है। नेक्स्ट डे सूर्य नारायण का जो हम रथ बनाएंगे रथ सप्तमी की पूजा के लिए, उसमें कितने घोड़े बनाने हैं? तो सूर्य नारायण के रथ में 7 घोड़े होते हैं, इसलिए आपको 7 घोड़ों का रथ बनाना होता है। इसकी रंगोली भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण के जो रथ में घोड़े बनाएंगे उनका मुख हमें किस तरफ रखना है? तो सूर्य नारायण के जो रथ में घोड़े बनाए जाएंगे उनको दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता हुआ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ उनका मुख होना चाहिए, ऐसे आपको सूर्य देव की रथ की आकृति बनानी है। तो वीडियो में दी गई साथ के साथ सूर्य, एक और खास बात, रथ सप्तमी के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। सूर्य जयंती के दिन सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना जाता है, सभी ग्रह उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य जयंती के दिन, रथ सप्तमी के दिन आप दीपदान अवश्य करें। दीपदान का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है, सूर्य नारायण के रथ में सात घोड़े क्यों होते हैं? तो देखिए, ऐसा बोला जाता है कि सूर्य नारायण के रथ में जो सात घोड़े लगे रहते हैं वो सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक हैं और वो सात रंगों का भी प्रतीक हैं। इसीलिए सूर्य सप्तमी के दिन हम जब दीपदान करते हैं तो जो हम दीपक लेते हैं वो गोल दीपक लेते हैं, या फिर आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। अगर पीतल का दीपक हो आपके घर में जिसमें सात बाती लगाने की स्थान हो तो आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप पत्ते का दिया बनाकर पत्ते में भी दीपदान कर सकते हैं। तो फिर उस दिन हम सात बाती का दीपक बनाकर, सात बाती लगाकर दिए में उससे दीपदान करते हैं, क्योंकि सूर्य देव के जो रथ में सात घोड़े हैं वो सप्ताह के सात दिनों का और सात रंगों को दर्शाते हैं, इसलिए उनके रथ में सात घोड़े लगे रहते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।